इसके बाद तुम्हारे आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है। एक ऐसा ये पत्थर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पत्थर एक ऐसा प्राचीन पत्थर मुझे मिला है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लग चुके होंगे। मैं भी अपने काम में लग चुका हूँ दोस्तों। गाँव पर आया हूँ तो गाँव पर तो बहुत सारे काम हैं और पिताजी का स्वास्थ्य भी जैसे एक स्थिर बना हुआ है तो उसी में उनसे किसी लोगों को मिलाना है, जुलाना है, किसी को ले जाना, ले आना, ये सब काम में लगे रहते हैं। तो भी पिताजी का आदेश हुआ कि जाइए भाई, एक हैं उनके कोई परिचित, उनसे वो मिलना चाहते हैं। तो मैं अपने गांव से, एक गांव की दूरी है करीबन 8 किलोमीटर, लहसनी एक गाँव है, तो उस लहसनी गाँव में मैं आया हूँ। तो अभी जस्ट मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरे साथ जो है कि देखिए, ये मेरे जो मेरे छोटे जो बहनोई हैं मेरे, जो है कि सुभद्रा के हस्बैंड, वो भी हैं। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, वेट कर रहे हैं वो कि तैयार हो जाएं तो फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो यहाँ का कुछ व्यू ऐसा आप लोगों को अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये यहाँ का व्यू है, ये बकरियाँ लेकर के, बकरियों को लेकर के दादी माँ कहीं जा रही हैं चराने के लिए। और ये देखिए, गाँव से बाहर एकदम हम लोग आए हुए हैं। ये सड़क गाँव से होकर के एकदम अंदर से आई हुई है। ये हमने अपनी कार यहाँ खड़ी की, एकदम गांव से होता हुआ बड़ा खतरनाक रास्ता था। और अभी मैं देखूंगा तो अगर संभव हो सकेगा तो उस रास्ते को मैं दिखाऊंगा भी। तो इस तरह से गांव के बाहर, और गांव के बाहर का कुछ भी इस तरह से है। ये देखिए, ये जो है कि कह सकते हैं आप, पास में एक तरह से छोटा मोटा जंगल। ये मैं अपने जीवन में पहली बार यहाँ आया हूँ, लहसनी इधर बाहर की तरफ, और ये एकदम इस तरह का कुछ व्यू है। तो यहाँ से भी हम लोग निकलेंगे, फिर देखते हैं दिन में क्या क्या होता रहता है। बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है। एक ऐसा ये पत्थर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पत्थर एक ऐसा प्राचीन पत्थर मुझे मिला है यहाँ पर। अभी मैं आया था लहसनी में तो, कि इसमें देखिए पहले गन्ने की पेराई इसी से होती थी, और गन्ने से पेराई करने के लिए देखिए इसको गाड़ दिया जाता था। नीचे जमीन में आधा हिस्सा जो है कि इसका गाड़ा जाता था। ये जो है कि यहाँ तक जो है कि जो देख रहे हैं आप लोग, मैं अपने हाथ से दिखा रहा हूँ, लगभग यहाँ तक ये गाड़ दिया जाता था और फिर इसमें से जूस निकलता था। और ये इस तरह से, ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये जो इसमें मिट्टी भर गई है, ये नीचे वाले पोर्शन में, इसमें एक लकड़ी का बहुत बड़ा सा जो है कि मोटा सा एक हिस्सा होता था जो इसमें लगा दिया जाता था, और बैलों से उसको घुमाया जाता था चक्री टाइप का। और इस तरह से जूस उसमें से छोटे छोटे गन्ने को काट करके इसमें डालते थे और यहाँ से निकल करके गन्ना जूस जो है कि बाहर आता था। तो ये मुझे अभी दिखाई दिया तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं आप लोगों को बताऊं। और इस तरह से ये पूरा बना हुआ था। सोचिए लोग पहले जमाने में कितना मेहनत करते तो जा करके गन्ने से जूस निकल पाता था, और ये पूरा इस तरह से बना हुआ है। और आज जो है कि ये बहुत ही आसानी से कुछ देर में ही सारा काम हो जाता है। तो ये फर्क है आज के जीवन का और पहले के हमारे पूर्वजों के जीवन का, जिसमें कितना बड़ा अंतर है। और इस युग में रह करके हम लोग अगर अपने को तरक्की में नहीं ला पाते तो ये हमारी कमी ही होगी निश्चित तौर पर। दोस्तों ये है लहसनी ग्राम सभा, और देखिए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। गांव में कुछ ऐसा ही दिखता है, देखिए किसी के बाल में ढील पड़ा है तो खुजला रहा है। दोस्तों ये है लहसनी के ब्रह्म बाबा हैं, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेला लगता है। बचपन में हम लोग यहाँ पर आते थे यहाँ पर, और अब जो है कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब हम लोग बहुत पहले यहाँ आते थे। देखिए ये इधर कुछ इस तरह से बन गया है, काफ़ी कुछ उधर मंदिर है।
दोस्तों शाम हो गई है और आ चुका हूँ अपने खेत पर। और यहाँ देखिए लोग क्या कर रहे हैं। अभी तो भाई देखिए यही देहात का मज़ा मज़ा ही होता है, उसका कुछ अलग ही आनंद है। तो आज खेत की बुआई हुई है शाम को, तो थोड़ा टहलते हुए पिताजी की से थोड़ा फुर्सत मिला तो मैं टहलते हुए आ गया इधर। और यहाँ देखिए खेत पर क्या क्या हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये है हैप्पी सीडर जो मशीन आई है, उससे बुआई हुई है। शानदार खेत लग रहा है ना, एकदम बराबर हो गया। देखिए लाइन से जब गेहूँ जमेगा तो इसका कुछ नज़ारा अलग ही होगा। और देखिए सबसे बड़ा नज़ारा तो ये कि देखिए देहातों में लोग किस तरह से फुर्सत के क्षणों का आनंद लेते हैं। ये धुआं दिखाई दे रहा है आप लोगों को, धीरे धीरे इधर आइए। ये देखिए कुछ नौजवान वर्ग यहाँ क्या कर रहे हैं। इसको हमारे यहाँ बोला जाता है कौड़ा तापना, तो ये लोग कौड़ा ताप रहे हैं। और ये भी एकदम सड़क है, ये देखिए सड़क को आधा कवर कर लिया गया है। और कोई आएगा तो हार्न मारेगा पोए पोए, तो धीरे से ये लोग घुसक जाएंगे। और देखिए मुस्कुरा रहे हैं लोग देख करके ये, तो भाई ये आनंद है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको बोला जाता है खोप, देख रहे हैं आप लोग। इसमें भूसा जो पशुओं का जो चारा होता है उसके अंदर जो एक रखा जाता है पशुओं का चारा, और ये रखा गया है। और इसको हमारे गांव में डेरा बोला जाता है। डेरा जो लोगों का घर अंदर होता है वो लोग आ करके जो है कि यहाँ डेरे पर सोते हैं, लेकिन बड़ा आनंद आता है, रात को शांति की नींद लगती है यहाँ पर जो है कि। तो ये तो है शाम का मेरे खेत का व्यू। अब देखिए उधर मेरे खेत पर क्या हो रहा है, चलिए दिखा रहा हूँ। कुछ यहाँ का व्यू ही ऐसा है जहाँ मेरा पूरा बचपन बीता इस खेत पर। चारों तरफ हम लोग खेत पर आते थे, जाते थे, रहते थे, पूरा बाबा थे, सब लोग थे। तो उस समय बहुत ही अलग तरीके से, मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था, टेंथ तक पढ़ा तो मैं गांव पर आया, तो उस समय मैं काफ़ी कुछ ये सब देखा सुना यहाँ पर मैं आता रहा। और अब वो समय बीत गया, समय कैसे गुजरता गया कुछ पता नहीं चला। और अब यहाँ पर जो है कि अभी मैं आया हूँ, थोड़ा सा फुर्सत मिली है शाम को, पिताजी को थोड़ा रिलैक्सेशन है, तो मैं कहा कि चलो थोड़ा सा देखूँ। यहाँ दिवाकर जी पड़े हुए हैं, तो देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, आइए दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये हो रही है माने दौरी। अच्छा, तो ये दौरी हो रही है। देखिए हमारा जो धान कटा था वो मशीन से नहीं काट पाए हम लोग, क्योंकि काफ़ी गीला था, मशीन नहीं चल पाती थी, तो हाथ से कटा गया। देखिए तो इसकी दौरी इस तरह से हो रही है, यानी कि धान की भी दौरी हो रही है। और इसमें धान जो है कि निकल जा रहा है बाहर, और जो है कि केवल यहाँ पर भूसा उसका उधर चला जा रहा है जो है कि। और दिवाकर मेरे भाई देखिए वो जो है कि दिखाई दे रहे हैं जहाँ जा रहे हैं, ये देखिए उनको चाबी देने के लिए, और अपना दौरी करा रहे हैं जम करके। धान की मड़ाई हो रही है यहाँ पर, और इस तरह से पूरा जो एक धान इधर निकलता जा रहा है। ये है कहानी यहाँ की। देखिए ये मेरी बहन है, इसको हम लोग झब्बी कहते थे, ठीक है। इसका नाम परिवर्तित होकर के बन गया छबी, ठीक। अब ये क्या चाह रही है, सोई हुई है, तो इनको शिकायत है कि भैया आपके घर का गद्दा ठीक नहीं है, अब मैं इस गद्दे को निकियाऊंगी। गद्दे को निकियाऊंगी कैसे भाई, करे कि देखिए हमारा गद्दा जो प्लेन है, आपका गद्दा ऐसा है ना, क्या है जी बताओ क्या हो रहा है। आपका गद्दा रुई वाला है। रुई वाला है, तो रुई का गद्दा क्या दिक्कत कर दिया है। बहुत दिन का हो गया है लग रहा है भैया, आपका गद्दा, आपके घर के गद्दा बहुत दिन का हो गया है। अच्छा अच्छा, ये दब गया है एक साथ। अच्छा, अब मैं ऐसे गद्दे पर सो नहीं रही हूँ, मेरी शादी को 12 साल हो गए, अब मैं अच्छे वाले गद्दे पर सो रही हूँ। देखिए दोस्तों ये है बहनों का करामा, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे एक और की गद्दा इसके कमर में घुस जा रहा है, पता नहीं कैसे, गुठला 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 हो गया, दब जा रहा है। तो क्या दब गया है आपका एकदम गद्दा, बेकार है। हाँ, मैं क्या करूं, मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। अब बताइए, कुछ नहीं मिला है ना, इसको ये शिकायत है, कुछ नहीं मिलता, ये गद्दे की शिकायत कर रही है, ठीक है ना। आ इधर देखिए लोग क्या कर रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, ये इतना खाई है रात को, मैं मना कर रहा था कि गोजा मत खाइए, बोझा मत खाइए, हम लोग बोझा, लेकिन इतना बोझा खाए कि एकदम सोझा हो गई है। तो अभी हम आए हैं तो यहाँ बैठी थी, तो कह रही है ना कि हम क्यों सोई हो जाए, तो कह रही है ना, अरे भैया कई बार गई हूँ, हमारी कहाँ गई हो जी। लैट्रिन गई हूँ भैया, बहुत कई बार गई हूँ, एकदम हमारा तबीयत गड़बड़ा गया है, और इसलिए जो कि फिर तब भी क्या करी मुझसे कि बेसन की सब्जी बनाई हूँ, खाएंगे ना हमको निकाई तक।
और ये देखिए मंद मंद मुस्कुरा रही है बीच में बैठ करके, जो कि चश्मा लगा करके सबसे बड़ी है। इसके बाद तुम्हारे पास दोस्तों मेरे मेरे बाद वो है, उसके बाद ये थी और एक हमारे पास है। और ये देखिए इनको गेम खेलने से फुर्सत ही नहीं है। अरे बुढ़ावती में गेम क्या खेल रहे हैं? तो कह रही अरे हम बूढ़े कैसे हो गए हैं, हम अभी गेम खेलेंगे कि अभी हम बहुत लोगों को हराएंगे जो कि। तो दोस्तों आप लोग सोचिए कि बच्चों को नशा है वीडियो गेम खेलने का, ये देखिए इनका क्या नशा है, ये भी वीडियो गेम से अभी वीडियो गेम खेलते हैं जो है कि। तो ये तो हम लोगों की फैमिली है, यही फैमिली तो इस समय मान लीजिए कि हम लोग अगर बीमार हैं दोस्तों बीमार होने के, पिताजी की बीमारी के बाद भी जैसा कि देख रहे हैं हम लोग अपने को कैसे मैनेज कर रहे हैं। हम लोग इसी तरीके से मैनेज करते हैं, क्या करें, हमारा हम लोगों का कोई अड्डार पड्डार नहीं है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो कि 14 पुश्त से हम लोग अकेले अकेले ही आते रह गए। पिताजी अकेले थे, बाबा अकेले थे, उनके बाबा अकेले, वो इस तरह से यहाँ आ करके हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, हम लोग 2 भाई हो गए हैं हम और दिवाकर हो गए हैं। तो अब इसलिए कोई अगल बगल तो है नहीं, तो हम लोग बस अपने में ही जो है कि रहते हैं। तो थोड़ा सा दिन भर जब मन खराब हो जा रहा है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आ करके थोड़ा सा आपस में ही कुछ हंसी मजाक कर लेते हैं। तो दोस्तों जिंदगी तो कुछ इसी तरह से चल रही है हम लोगों की। और इतना जरूर कहेंगे कि आप लोगों ने आज 400 कर दिया सब्सक्राइबर, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों जो है कि आपके आप लोगों के स्नेह और प्यार से 400 हो गए हम लोग। अब मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से मेरा 1000 पूरा करिए ना आप लोग, कि 1000 पूरा होगा तो मैं लाइव आऊँगा ना, लाइव आऊँगा तो मजा रहेगा। तो देखिए तो हमारी बहनें भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भाई मेरे भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग भाई। हमें अभी ये फोटो अच्छा अच्छा, तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोगों का स्नेह और प्यार मिले कि हमारा ये जो फैमिली है ना, ये फैमिली जो है कि कुछ कर गुजरे आप लोगों के सहयोग से। दोस्तों देखिए दोस्तों ये हमारी बहन है, और मतलब कि हमारी बहन का बाल जो है कि कह रही है कि मेरा बाल अंगूठिया बाल है। अब मैं अपने भगिना से पूछ रहा हूँ कि अंगूठिया बाल की का मतलब आप समझते हैं? कर ली हाँ भाई देखिए सब उठे हैं। अच्छा अच्छा तो कर ली ब्यूटी पार्लर में जाकर नहीं होगा, ना हो पाएगा, देखा मत। हाँ देखा 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 कितना अच्छा बाल है ना। बिल्कुल बिल्कुल तुम बहुत सुंदर लग भी रही हो उसको कि मतलब कि ट्रबल ट्रबल मैंने समझते हो ना, समस्या और कुछ परेशानी भी होता है क्या? हाँ तो भोजपुरी में उसको क्या कहेंगे? परेशानी को दिक्कत नहीं, भोजपुरी में पहले बताइए भोजपुरी में क्या होगा? बुचिया ये बताओ बताओ कि माने दिक्कत का भोजपुरी क्या हुई पल बताओ जा, दिक्कत का भोजपुरी में हाँ क्या हुई बता दो जा। हमार बहुत फजीहत हो गई।